पूजनीय है उसके साथ अत्याचार हो और पीड़िए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीड़िए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के दो जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीर नगर, निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई, जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं, और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई। बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ, अपने मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे, और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए, जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया कई दिन तक। वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी, और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से अंग्रेज मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे हो जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें, और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। धन्यवाद सर। अतीश प्रसाद अपने आवास पर ही बताया, लेकिन अतीश प्रसाद अपने आवास पर ही बताया।